सो गाइस, आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 15 अगस्त का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल यानी इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइस, इस फोटो को मैं पिक्सआर्ट के अंदर ही एडिटिंग कर सकता था, लेकिन गाइस पिक्सआर्ट के अंदर आप लोगों को सारे चीज़ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। जैसे कि गाइस फेस को आप लोग अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं कर सकते हो एंड वहाँ पर आप लोग हेयर बना नहीं सकते हो। इसलिए गाइस मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं कम्प्लीट एडिटिंग ऑटोटेक्स स्केच बुक के अंदर ही सिखा दूँ। सो गाइस वीडियो को फुल्ली देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कंप्लीट एडिटिंग में ऑटोटेक्स बुक ऐप के अंदर ही किया एंड जो कलर रिडक्शन है वो मैं लाइट ऐप के अंदर किया। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, हर एक चीज आप लोगों को पता चल जाएगा। गाइस जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर सुखदेवी भाई का फोटो है। ऐसा इफेक्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं 15 अगस्त के फोटो के अंदर, गाइस जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। एंड इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो एंड इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। सो चले आज का वीडियो शुरू करते। सो गाइस सबसे पहले फोटो को ओपन कर लीजिए ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। मैं फोटो को शेयर पे टैप करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि मेरा आया है। गाइस फोटो का जो बैकग्राउंड है अच्छे तरीके से रिमूव करना है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए गाइस इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोगों को ऊपर स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद एक ब्रश मिल जाएगा, ए ब्लब ब्रश। सो इसको सिलेक्ट करके आप लोगों को सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को 98 रखना है नीचे वाले ऑप्शन को एंड साइज को अपने मुताबिक से रखना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर व्हाइट कलर का आ जाएगा, लेकिन गाइस आप लोगों को क्या करना है इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक लेयर ऑप्शन दिख जाएगा, इसके अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे एक आई का आइकन है ना, इसके अंदर प्रेस करना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है इरेज टाइप का हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड को कर लीजिएगा इरेज, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से करना है, बिल्कुल यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करना है गाइस। अगर जितना अच्छा टाइम दोगे बैकग्राउंड के अंदर उतना ही आपका कटआउट जो है ना वो अच्छे तरीके से होगा। तो इसलिए गाइस अच्छे तरीके से कटआउट करना, तभी जो आपका फोटो है प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग होगा। मैं कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को कर लेता हूँ रिमूव। बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं फटाफट से बैकग्राउंड को लेता हूँ रिमूव। सो गाइस जैसा कि मैं बैकग्राउंड को प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद गाइस मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसको ऐड करूँगा बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। सो गाइस यहाँ से मैं फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव, यानी PNG को, PNG में ही सेव होगा गाइस अगर इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड को ऐड करोगे तो। सो गाइस फोटो हो चुका है सेव। सेव होने के बाद मैं आप बैग आ जाऊँगा एंड बैकग्राउंड को दोबारा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लूँगा। गाइस बेहतर यही है कि आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर एडिटिंग करो, क्योंकि गाइस पिक्सआर्ट ऐप के अंदर होता क्या है गाइस, वहां पर तो आप लोग बैकग्राउंड अच्छे से लगा लेते हो लेकिन गाइस फेस को स्मूथ नहीं कर सकते हो, हेयर को नहीं बना सकते हो, तो ऐसे एडिटिंग का क्या फायदा। इसलिए गाइस आप लोग डायरेक्ट ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ही एडिटिंग करना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। एंड ईजी होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। इसलिए गाइस मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ही कंप्लीट एडिटिंग कर लेता हूँ। सो गाइस मैं बैक आ जाऊंगा एंड बैकग्राउंड को फिर से इनपुट कर लूंगा ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर बैकग्राउंड को इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेना है बैकग्राउंड को, और उसके बाद गाइस PNG को ऐड करना है, यानी गाइस मॉडल का जो PNG सेव किया था ना उसको ऐड कर लेना है। उसको ऐड करने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर इनपुट इमेज दिख जाएगा, आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड जिस फाइल पर PNG है ना उसको इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, जूम कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है, अच्छे पोजीशन पे रख देना है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को फिर से सेव पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को फिर से उसी वाले लेयर के अंदर टैप करना है एंड फिर से इनपुट कर लेना है PNG को, ठीक है। सो मैं PNG को ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। PNG कहाँ पर है डाउनलोड, एंड यहाँ पर जो रंग वाली PNG है ना इसको मैं नीचे लगा लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर से मैं यहाँ पर दोबारा जाऊँगा एंड फिर से मैं ऐड फोटो पर जाकर फिर से लगा लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता है लगाना तो गाइस इस वीडियो को फुल्ली देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे लगाते हैं। जैसे कि गाइस मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे लगा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करूँगा। टैप करने के बाद फिर से मैं ऐड फोटो पर जाऊँगा
एंड यहाँ से मैं फिर से जो यहाँ पर टेक्स पीएनजी है 15 अगस्त, तो इसको मैं नीचे लगा लूँगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं गलती से एक अलग पीएनजी लगा लिया, लेकिन गाइस मैं इसको बैक कर लूँगा एंड जो मैं फोटो पर लगाया था उसको लगा लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर कहाँ पर है वो पीएनजी, यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं लगा लेता हूँ नीचे कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद गाइस यहाँ पर फ्लैग का पीएनजी हाथ में लगाना है। फिर से मैं एड फोटो पर जाऊँगा एंड यहाँ से जो फ्लैग है उसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा हैंड के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर लगाने के बाद आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर देना है। टैप करने के बाद जूम कर लीजिए एंड ब्रश को सिलेक्ट कीजिए, जिस ब्रश से आप लोग यहाँ पर इरेज किया था। एंड गाइस साइज को थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को यहाँ पर जूम कर लेना है एंड कुछ फिंगर से कुछ इस तरीके से आप लोगों को रिमूव कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर रिमूव करने के बाद आपका जो फ्लैग है हाथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से पकड़ लेगा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को हेयर को बना लेना है। हेयर को बनाने के लिए गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्वाइप करना है एंड यहाँ से आप लोगों को इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस सेटिंग को आप लोगों को ओपन कर लेना है एंड 10% रख के साइज को अपने मुताबिक से रखना है एंड जूम करके कुछ इस तरीके से हेयर को बना लेना है। सॉरी गाइस यहाँ पर काम नहीं करेगा अगर आपका लेयर फोटो के अंदर नहीं होगा, तो मैं फोटो के अंदर लेयर को ओपन कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से हेयर को बना लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ों का ध्यान में रख के आप लोग एडिटिंग करना, क्योंकि गाइस लेयर में होता ये है कि अगर आपका लेयर किसी दूसरे लेयर पर है तो काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से हेयर को बना लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं हेयर को बना लिया गाइस, आप लोग देख सकते हैं। हेयर को बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करना है, यहाँ पर फेस को स्मूथ करना है। फेस को स्मूथ करने के लिए गाइस साइज को छोटा करिए एंड जूम करिए फोटो को कुछ इस तरीके से। आप लोगों को यहाँ पर पेंट करना है तो फेस जो है स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फेस को मैं स्मूथ कर लेता हूँ गाइस। और स्मूथ करने के बाद गाइस यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कटआउट नहीं हुआ है, तो इसको अच्छे से ठीक करने के लिए आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड गाइस यहाँ पर जो पहला वाला ब्रश था ना इरेजर वाला, इसको सिलेक्ट करके गाइस जूम कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को सही कर देना है, ठीक है। सही करने के बाद आपका जो यहाँ पर कटआउट है अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड आपका जो कटआउट है कम्प्लीट हो चुका है एंड फेस भी मैं स्मूथ कर लिया, हेयर को भी बना लिया गाइस। यहाँ पर सब कुछ काम हो चुका है एंड अब हम लोग रिटचिंग करेंगे लाइट वेब के अंदर एंड सुब डेविल जैसा इफेक्ट देंगे, ठीक है गाइस। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई सुब डेविल का प्रीसेट दे दे। भाई यार समझा करो, प्रीसेट काम नहीं करता है, मैं 100% कहता हूँ। तो इसलिए मैं इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद लाइट वेब के अंदर ओपन कर लूँगा, ठीक है। सो चलिए लाइट वेब के अंदर। सो गाइस फोटो को ओपन कर लेना है लाइट वेब के अंदर। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को लाइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर देना है, लाइट वाले ऑप्शन। एंड यहां पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा गाइस, हाईलाइट को माइनस की तरफ एंड जो शेडो है ना उसको फुल्ली हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद आपका जो फोटो है यहाँ पर कुछ अलग ही लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद गाइस आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड यहाँ पर मिक्स वाले टूल गाइस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कीजिए, सैचुरेशन को माइनस की तरफ एंड लुमिनेशन को हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद आप लोग देख सकते गाइस यहाँ पर सुब डेविल जैसा इफेक्ट आ रहा है। और उसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को हाई कर दीजिए एंड यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को हाई कर दीजिए। और उसके बाद गाइस आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को हाई कर देना है एंड डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ से क्लैरिटी को हाई कर देना है एंड नीचे जो ऑप्शन है ना इसको भी हाई कर देना है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी कितना चमक रहा है एंड लग रहा है ना कि सुब डेविल भाई का जैसा यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है। सो गाइस ऐसा एडिटिंग आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लोगों को नॉइस रिडक्शन को हाई कर देना है थोड़ा सा और उसके बाद शार्पनेस को। एंड गाइस आप लोगों को मैं एक वीडियो पर बता दिया था सुब डेविल जैसा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आप लोग कैसे दे सकते हो, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो। लास्ट में उस इफेक्ट को अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका जो ऑयल पेंटिंग इफेक्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही था। आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर लाइट मैप के अंदर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग कर लिया मैंने। सो गाइस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।